जल्दी से इधर ऑक्सीजन देखो, बीपी देखो, आईवी एक्सेस देखो, क्या हुआ सर? इसमें ज़्यादा खा लिया फिर तो मैं डालने वाली दवाई कौन सी है? ये ठीक है, कब लिया था ये? लग उड़ता हो गया ठीक है। ऐसी हालत होश कब से डाउन है? ये कब आधे को पौने घंटे से पहले ऐसे कर रहे हो? ठीक है, सांस और सांस नहीं आ रही है सर बिल्कुल भी। ठीक है, और ऐसे ही करे जा रहा है सर लगातार। ठीक है, पिछले 10-15 दिन में कोई खांसी बुखार? नहीं सर, कुछ नहीं है। कहीं पर कोई ट्रैवल किया हो? खेतों में कुछ काम करने के लिए गए थे। घर में किसी को खांसी बदकम बुखार? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है। ठीक है सर, सर रॉयल क्यूब इंक्यूबेशन का सामान? ठीक है, एड्रोपिन टाइम ये तैयार करो। ये जो दवाई है जो इसमें ली है इसका असर इसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा होगा। जो ये खेतों में छिड़कने वाली दवाई होती है ठीक है, इससे हमारी सांस में दिक्कत होती है। हाँ, सांस लेने की जो हमारी मांसपेशियाँ होती है कमज़ोर पड़ जाती है जिसकी वजह से सांस ठीक नहीं आ रहा। इसका दिमाग पे भी असर होता है जिसकी वजह से दौरे पड़ना, होश कम होना, ये सब हो सकता है। ठीक है, जो फिलहाल इसकी ये पोजीशन हुई है। ठीक है, ठीक है, अभी एक नली डाल के पेट की सफाई करेंगे। ठीक है, जो इसने दवाई ली है वो निकालेंगे, क्योंकि होश पूरा नहीं है, सांस में दिक्कत हो रही है, इसको वेंटिलेटर पे लेंगे। आप जैसे भी आपको ठीक लगे सर आप कर रहे हैं। आप इसका जो दवाई का एंटीडोट है एट्रोपिन वो स्टार्ट करेंगे, पैम स्टार्ट करेंगे, बाकी दवाइयाँ शुरू करेंगे। ठीक है, अधिकतर ऐसे मरीज अगर समय पे इलाज मिल जाता है जान बच जाती है। ठीक है सर, आप कोशिश करिए सर। आप कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। कुछ रॉयल क्यूब, रॉयल क्यूब आप डालिएगा। इंक्यूबेशन सर तैयार करिए, एट्रोपिन 5 mg स्टार्ट देके इंक्यूबेशन स्टार्ट करिए। हेलो, आई एम डॉक्टर शामित गुप्ता एट अमृतधारा माई हॉस्पिटल करनाल। मैं आईसीयू डायरेक्टर हो गई हूँ। और जैसा कि अभी आपने देखा, हमने एक ओपी पॉइजन का पेशेंट लिया। ओपी पॉइजन बेसिकली खेतों में छिड़के जाने वाली दवा है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो हम छिड़कते हैं। जो भी ये पॉइजन लेता है या एक्सीडेंटली एक्सपोज होता है उसका इलाज है। ऐसा ना सोचे इलाज नहीं है या पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। अगर सही समय पे इलाज लिया जाए तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जैसा कि कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और चीज़ों की दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो लेकिन जान बचने के इसमें चांसेस 99% होते हैं। अगर समय पे इसका इलाज ना करें तो 10 में से 2 मरीजों की जान इसमें चली जाती है। जब भी हम खेतों में दवाई छिड़कते हैं बार बार हम अपने मुँह को, नाक को, फेस को नहीं ढकते, बॉडी के बाकी पार्ट एक्सपोज रहते हैं, उससे इसकी पॉइजनिंग होने का हमारा खतरा बढ़ जाता है। बहुत बार दवाई रखी होती है घर में, गलती से बच्चे या कोई और पी लेते हैं, तो इन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। कई बार हमारा मन ठीक नहीं होता, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, उसमें पी लेते हैं, तो वो भी हमें देखने। कभी भी ऐसा थॉट अगर हमारे मन में आए तो घर वालों से बात करें और अपने डॉक्टर से बात करें। तो मेरा आपको यही मैसेज है, कोई भी पॉइजन है, कुछ भी है, कभी ना लें। एक्सीडेंटल अगर ले लेते हैं एक्सीडेंटली, तो इमिजिएटली आपने मेडिकल सपोर्ट लेना है। अधिकतर पेशेंट ऐसे बच के घर जाते हैं। थैंक यू।